नमस्कार दोस्तों, मैं अतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। दोस्तों आज हम एनिमल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल ब्रीडिंग। दोस्तों हम जानेंगे पशुओं में प्रजनन कितने तरीके का होता है, किस प्रकार से होता है। दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ अन्य दोस्तों में वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों एनिमल ब्रीडिंग या पशु प्रजनन से आप क्या समझते हैं? पशु प्रजनन या एनिमल ब्रीडिंग का मतलब होता है दो पशुओं को मिलाने से, यानी नर और मादा के मिलाने से एक नए पशु तैयार करने की विधि को क्या कहा जाता है? एनिमल ब्रीडिंग कहा जाता है। सबसे पहले हमने क्या जाना, एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है? दो पशुओं को मिलाकर नर और मादा के सहयोग से एक तीसरा यानी कि नया पशु बनाना बेटा क्या कहलाता है? पशु प्रजनन या एनिमल ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, बात करें एनिमल ब्रीडिंग जो है वो कितने तरीके का होता है, तो एनिमल ब्रीडिंग दो तरीके का होता है। पहला है नेचुरल ब्रीडिंग और दूसरा है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। पहला कौन सा है? नेचुरल मतलब प्राकृतिक प्रजनन, और दूसरा है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम प्रजनन। क्या होता है प्राकृतिक और क्या होता है कृत्रिम, समझिएगा बेटा। जब दो नर और मादा पशुओं का प्रजनन बिना किसी मनुष्य के हस्तक्षेप से किया जाए, जब नर और मादा का प्रजनन बिना किसी मनुष्य के हस्तक्षेप से किया जाए, उस प्रजनन को कहा जाता है नेचुरल ब्रीडिंग। इसमें मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। कैसे नहीं होता, देखिएगा, ये प्रजनन जो है वो जंगली प्रजाति के जानवरों में होता है। ऐसे जानवर जो नहीं पाले जाते या जो पालतू प्रवृत्ति के जानवर है लेकिन उनको नहीं पाला जा रहा, वो स्वतंत्र रूप से जंगल में या वनों में घूम रहे हैं, वो जानवर क्या करते हैं? नेचुरल ब्रीडिंग का सहारा लेते हैं, यानी कि उनके प्रजनन करने के तरीके में किसी भी मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हमें यहां से बात करना है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के बारे में। यहां से हम जानेंगे किस तरीके से मनुष्य के द्वारा हस्तक्षेप करके या ब्रीडिंग के कार्यों में मनुष्य की भागीदारी को सम्मिलित करके एनिमल यानी कि पशुओं की प्रजातियों को किस तरीके से सुधारा गया है, किस तरीके से अधिक उत्पादन देने वाली जातियों को तैयार किया गया है, किस तरीके से रोगरोधी जातियां तैयार की गई हैं, किस तरीके से अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी जल्दी से बच्चा देने, जल्दी से दूध देने वाली वैरायटी तैयार की गई है, किस तरीके से हमने अधिक मांस देने वाली वैरायटी को तैयार किया, ये सभी हम जानेंगे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के अंदर। क्या होती है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग? जब किन्हीं दो पशुओं का संभोग या किसी दो पशुओं का प्रजनन मानव के हस्तक्षेप के द्वारा कराया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहा जाता है। जब दो पशुओं का प्रजनन मानव के हस्तक्षेप के द्वारा किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। ठीक है, बात करते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के बारे में। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग दो तरीके की होती है, पहली है इन ब्रीडिंग और दूसरी है आउट ब्रीडिंग। देखिएगा दोस्तों, अब यहां से अपन थोड़ा सा ट्रिक से समझेंगे। हमने देखा सबसे पहले ब्रीडिंग क्या है, एनिमल ब्रीडिंग पशुओं का प्रजनन कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है हमने आपको बताया, ऐसे जानवर जो मानव नहीं पालता या पालतू जानवर हैं लेकिन वो मानव के संपर्क में नहीं है, वो नेचुरली रूप से क्या करते हैं बेटा, ब्रीडिंग करते हैं, उन्हें नेचुरल ब्रीडिंग कहा जाता है। हमने बात की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बेटा नाम से समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल है, ये मैनमेड है यानी कि इसमें मानव का हस्तक्षेप होगा। अब देखते हैं बेटा ये दो तरीके का, इन और आउट, समझिएगा बेटा। इनका मतलब होता है अंदर, आउट का मतलब होता है बाहर। यहां से बेटा समझेंगे, जब ऐसा प्रजनन कराया जाए जो एक ही वंश के, एक ही परिवार के या एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं में कराया जाए, रिलेटिव बेटा एनिमल्स में कराया जाए, उसे क्या कहा जाता है? इनब्रीडिंग कहा जाता है। क्या समझ में आया बेटा? जब प्रजनन एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं में करवाया है, संबंधित का मतलब बेटा उनमें रिश्ता है, वो आपस में रिश्तेदार हैं बेटा। जब प्रजनन एक पीढ़ी से लेकर छह पीढ़ी के अंदर के पशुओं में कराया जाता है बेटा, तो उसे क्या कहा जाता है? इनब्रीडिंग कहा जाता है। कब कराया जाता है बेटा? पीढ़ी कितनी होनी चाहिए? एक पीढ़ी से लेकर छह पीढ़ी के बीच के एक ही नस्ल के पशुओं में कराया जाए या एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं में कराया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग। क्लियर है बेटा? इनका मतलब क्या होता है? अंदर, किसके अंदर? एक ही नस्ल के अंदर, एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं में जब कराया जाता है तो क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग कहते हैं। इनब्रीडिंग हमारा दो तरीके का होता है। कितने तरीके का इनब्रीडिंग? दो तरीके का, पहला क्लोज ब्रीडिंग, दूसरा लाइन ब्रीडिंग। क्लोज का मतलब बेटा क्या नाम से समझ में आ रहा है? क्लोज का मतलब है बहुत पास में,
जब ऐसे पशुओं का प्रजनन करवाया जाए जो एक ही नस्ल के हैं और बहुत पास पास के पशु हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इन ब्रीडिंग में क्लोज ब्रीडिंग कहा जाता है। यह बेटा करवाया जाता है एक पीढ़ी से लेकर तीन पीढ़ी के अंदर के पशुओं में। कहां तक करवाया जाता है बेटा? एक पीढ़ी से लेकर तीन पीढ़ी के पशुओं में। क्या समझते हो एक पीढ़ी से तीन पशुओं के मतलब बेटा? मतलब है बेटा कोई बेटा नर है जो बेटा किसी पशु का बेटा है। एक गाय से एक बछड़ा होता है, उस बछड़े का क्रॉस उसी गाय से कराया जाए बेटा, ये क्या कहलाएगा? इनब्रीडिंग कहलाएगा। इनब्रीडिंग में कौन सा कहलाएगा? क्लोज ब्रीडिंग कहलाएगा। ठीक है बेटा, एक सगे भाई का क्रॉस बेटा किससे किया जाए? बहन से कराया जाए बेटा, ये क्या कहलाएगा? इनब्रीडिंग का क्लोज ब्रीडिंग कहलाएगा। एक बेटा दादे का क्रॉस, दादा का क्रॉस बेटा उसकी पोती से कराया जाए बेटा, उसे क्या कहेंगे? क्लोज ब्रीडिंग कहेंगे। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं, कौन सा? लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग बेटा हम लोग पढ़ चुके थे, ये एक ही नस्ल के संबंधित में होता है, एक ही नस्ल के रिलेटिव पशुओं में होता है। तो किस में होता है बेटा? ये होता है चार पीढ़ी से लेकर बेटा छह पीढ़ी के पशुओं में। कहां तक होता है बेटा? चार पीढ़ी से लेकर छह पीढ़ी के पशुओं में। ये भी बेटा एक ही नस्ल के होते हैं, रिलेटिव होते हैं, लेकिन बेटा ये एक ही नस्ल के होते हैं, रिलेटिव होते हैं, लेकिन चार पीढ़ी से बाद के होते हैं। क्लियर है बेटा? अब आते हैं बेटा हम कहां आते हैं? आउटब्रीडिंग पर। कहां पे आते हैं हम? आउटब्रीडिंग बेटा। इनब्रीडिंग अच्छे से समझ में आ गया, एक बार दोबारा से कर लेते हैं बेटा। क्या होता है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बेटा? दो तरीके का था, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। कितने तरीके का था? इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। बात करें बेटा इनब्रीडिंग की, तो इनब्रीडिंग दो तरीके का था, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। क्या था बेटा क्लोज ब्रीडिंग? जब एक ही नस्ल के बहुत बहुत पास के पशुओं में, यानी कि एक पीढ़ी से लेकर तीन पीढ़ी के अंदर के पशुओं में क्रॉस कराया जाता है तो उसे कहते हैं क्लोज ब्रीडिंग। और जब एक ही नस्ल के चार पीढ़ी से छह पीढ़ी के संबंधित पशुओं में क्रॉस कराया जाता तब बेटा उसे कहते हैं लाइन ब्रीडिंग। इतनी सी बात समझ में आ गई, तो बेटा अब हम समझेंगे आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग बेटा क्या होती है? जब एक ही नस्ल के असंबंधित पशु, यानी कि छह पीढ़ी से बाद के, एक ही नस्ल के छह पीढ़ी के अंदर के बेटा किसमें थे? इनब्रीडिंग में। आउटब्रीडिंग में क्या होगा? एक ही नस्ल के लेकिन छह पीढ़ी के बाद के, या फिर अलग अलग नस्लों के, या फिर अलग अलग जातियों किसके बेटा? या तो अलग अलग बेटा किसके होंगे? एक ही नस्ल के होंगे लेकिन असंबंधित होंगे, यानी कि छह पीढ़ी से बाद के होंगे, या फिर अलग अलग नस्लों के होंगे, या फिर क्या होगा बेटा? अलग अलग जातियों के होंगे, यानी कि जीनस भी अलग हो सकते हैं, स्पीसीज भी अलग हो सकती हैं, स्पीसीज एक भी हो सकती है लेकिन एक में क्या होगा? अनरिलेटेड होंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा आउट क्रॉसिंग की। बेटा आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, अब हम बात करते हैं आउट क्रॉसिंग के प्रकार के बारे में बेटा। तो आउट क्रॉसिंग जो है चार प्रकार का होता है बेटा, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रेडिंग अप और हाइब्रिडाइजेशन। एक एक से समझते हैं सभी को बेटा। सबसे पहले कौन सा है? आउट क्रॉसिंग। आउट मतलब बेटा समझ में आ गया बाहर का है, क्रॉसिंग मतलब बेटा समझते हो दो पशुओं का प्रजनन को बेटा क्या कहते हैं? क्रॉसिंग कहते हैं। आउट क्रॉसिंग का बेटा क्या होता है? जब एक ही नस्ल के दो पशुओं में प्रजनन कराया जाए और वो दोनों ही पशु असंबंधित हों, एक दूसरे से रिलेशन न रखते हों, ऐसे क्रॉसिंग को बेटा क्या कहा जाता है? आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। क्या है बेटा आउट क्रॉसिंग? इसमें एक ही नस्ल के पशु होते हैं, एक ही नस्ल के पशु होते हैं लेकिन वो पशु आपस में रिलेटिव नहीं होते। समझिएगा बेटा थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए बेटा अगर हमने मुर्रा नस्ल का कोई नर लिया है प्रजनन के लिए तो मुर्रा नस्ल की ही बेटा मादा लेंगे, लेकिन ये दोनों एक ही फैमिली के नहीं होंगे, एक ही परिवार के नहीं होंगे, ये छह पीढ़ी से बाद के पशु होंगे। ठीक है बेटा, जबकि बेटा हम इनब्रीडिंग में क्या कर रहे थे? वहां पे भी हम मुर्रा ही ले रहे थे, वहां पर भी हम भदावरी ही ले रहे थे, लेकिन वो एक ही परिवार के थे, संबंधित थे, रिलेटिव थे। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा ये चीज समझ में आ गई, अब हम समझते बेटा क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में बेटा क्या होता है? दो शुद्ध नस्लों को लिया जाता है और दोनों ही नस्ल अपने आप में शुद्ध होती है और इंडिविजुअल होती है, अलग होती है। जैसे बेटा अगर हमने एक नस्ल मुर्रा ली है तो हम दूसरी नस्ल क्या लेंगे? भदावरी लेंगे। समझिएगा बेटा दोबारा से क्या कह रहा हूं मैं, क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? क्रॉस कराना है, ब्रीडिंग बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग किसकी बेटा? जब दो शुद्ध नस्लों को आपस में लेकर प्रजनन कराया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए अगर मैंने किसी मुर्रा का बेटा नर लिया है तो मादा किसकी लूंगा? भदावरी की। इस प्रकार के प्रजनन को बेटा क्या कहा जाएगा? क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाएगा। बेटा जरूरी नहीं मुर्रा और भदावरी लो, जरूरी यह है कि जो दो नस्लें होनी चाहिए वो दोनों ही नस्ल अपने आप में प्योर होना चाहिए।
मान्यता प्राप्त नस्लें होनी चाहिए। जब दो मान्यता प्राप्त नस्लों का आपस में प्रजनन कराया जाता है तो उस प्रजनन को बेटा क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीडिंग बेटा कितने तरीके का, चार तरीके का। पहला क्रस क्रॉसिंग, दूसरा है ट्रिपल क्रॉसिंग, तीसरा बेटा टॉप क्रॉसिंग और चौथा बैक क्रॉसिंग। सबसे पहले जान लेते हैं बेटा क्रस क्रॉसिंग के बारे में, क्या है क्रॉस क्रॉसिंग। क्रिस क्रॉसिंग बेटा क्या होता है, जब दो शुद्ध नस्लों का बेटा, इसको डबल क्रॉसिंग भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, डबल क्रॉसिंग बेटा। जब दो शुद्ध नस्लों का बेटा आपस में क्रॉस कराया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, क्रिस क्रॉसिंग या डबल क्रॉसिंग कहा जाता है। जैसे बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिखा था, मुर्रा और भदावरी का, ठीक है बेटा, इसे क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉसिंग कहते हैं। चलते बेटा ट्रिपल क्रॉसिंग में, ट्रिपल क्रॉसिंग बेटा क्या किया जाता है, तीन शुद्ध नस्लों को लिया जाता है। कितनी नस्लों को लिया जाता है, तीन को बेटा, अच्छे समझना यहां पे, कितनी नस्लों को लेंगे, तीन को। नाम से समझ में आ रहा है ट्रिपल क्रॉसिंग है, ट्रिपल क्रॉसिंग मतलब जब तीन शुद्ध नस्लों को आपस में लेकर क्रॉस कराया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रिपल क्रॉसिंग कहा जाता है। बेटा ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कैसे पता चलेगा आपको तीन नस्लें कैसे लोगे, आप तीन नस्लों को आपस में क्रॉस कैसे कराएंगे। तो बेटा समझते हैं, यहां थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे पॉइंट देखिएगा बेटा, ये क्या, मैं ट्रिपल क्रॉसिंग बेटा आपको समझा रहा हूं। ट्रिपल क्रॉसिंग बेटा आप समझेंगे कैसे होता है, ट्रिपल क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग बेटा क्या होता है, इसमें तीन नस्लें ली जाती हैं। पहले मैंने कह लिया बेटा मुर्रा ली बेटा, इसका क्रॉस कराया भदावरी से बेटा, ठीक है बेटा। इसके प्रजनन के बाद बेटा कोई नस्ल बनी, ये जो एक्स नस्ल बनी बेटा, इसका मैं तीसरी भी यानी कि सूरती से क्रॉस कराऊंगा बेटा। इसके बाद बेटा जो नस्ल बनेगी उसका दोबारा से बेटा मैं किससे कराऊंगा, मुर्रा से कराऊंगा। फिर मैं किससे कराऊंगा, अगली नस्ल का भदावरी से कराऊंगा। फिर मैं किससे कराऊंगा, सूरती से कराऊंगा। यानी कि बेटा पहली बार दो शुद्ध नस्लों का क्रॉस कराऊंगा, उसकी जो संतान होगी उसका क्रॉस बेटा किसी तीसरी शुद्ध नस्ल से कराऊंगा, उसकी जो संतान होगी उसका दोबारा से बेटा इसमें अल्टरनेट क्रम में घुमाता रहूंगा, यहां पर सर्कल में बेटा घुमाता रहूंगा। एक बार सूरती से करूंगा, मुर्रा से करूंगा, दूसरी बार, तीसरी बार भदावरी से करूंगा। मतलब तीनों ही नस्लों से एकांतर क्रम में क्रॉस कराया जाता है, अल्टरनेट क्रॉस कराया जाता है, पहले सूरती से, फिर भदावरी से, फिर मुर्रा से। फिर बेटा वही क्रम दोहराएगा, सूरती से, भदावरी से, मुर्रा से। जब एकांतर क्रम में नस्लों का क्रॉस कराया जाए, जब तीन नस्लों का क्रॉस एकांतर क्रम में कराया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रिपल क्रॉस कहा जाता है। यहां तक बेटा आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी, ट्रिपल क्रॉस आपको समझ में आ गया बेटा। अगर ट्रिपल क्रॉस समझ में आ गया तो बेटा आगे समझते हैं, अगला बेटा कौन है। देखिए बेटा आपको क्रिस क्रॉस समझ में आ गया, आपको ट्रिपल क्रॉस समझ में आ गया कि नहीं। अब चलिए बेटा आगे चलते टॉप क्रॉस पर। बेटा नाम से समझ में आ रहा है बेटा, टॉप मतलब क्या होता है, ऊपर वाला। टॉप मतलब क्या होता है, ऊपर वाला। बेटा जब किसी संतान का क्रॉस ये प्रजनन के बेटा, ये प्रजनन के फलस्वरूप बेटा, या इस प्रजनन के फलस्वरूप, ये बेटा उस प्रजनन के फलस्वरूप कोई भी संतान बनी है, उस संतान का क्रॉस उसकी पीढ़ी के सबसे टॉप वाले पशु से, उसकी पीढ़ी में सबसे अंतिम पशु जो जिंदा है बेटा, उससे क्रॉस कराना क्या कहलाता है, टॉप क्रॉस कहलाता है। किसी पशु का क्रॉस बेटा उसकी पीढ़ी के सबसे अंतिम जिंदा पशु से क्रॉस कराना बेटा क्या कहलाता है, टॉप क्रॉस कहलाता है। समझ में आ गई बेटा बात आपको, आपको टॉप क्रॉस भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बेटा बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस क्या होता है, देखिएगा बेटा बैक मतलब क्या होता है, पीछे। बैक मतलब क्या होता है बेटा, पीछे। देखिए बेटा यहाँ पे हमने क्रॉस किया बेटा, सपोज कीजिए बेटा मुर्रा को और भदावरी का क्रॉस किया बेटा, जब इसको क्रॉस करेंगे तो कोई एक नस्ल आएगी बेटा, इस नस्ल का क्रॉस उसके बैक में जाकर बेटा, मतलब चाहे मुर्रा के नर से कराया जाए, चाहे भदावरी के नर से कराया जाए, इस क्रॉस को बेटा क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। क्या हुआ बेटा, जब दो शुद्ध नस्लों का क्रॉस कराते हैं तो जो F1 में जो संतान बनती है, F1 में जो संतान बनती है बेटा, उस संतान का क्रॉस उसके बैक में जाके किसी भी नस्ल से कराया जाए बेटा, उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ बेटा। एक बार फिर देख लेते हैं बेटा अच्छे से, आउट क्रॉस। आउट ब्रीडिंग बेटा कितने तरीके की थी, चार तरीके की थी बेटा। पहली थी आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में बेटा मैंने क्या बताया, जब दो शुद्ध नस्लों का आपस में क्रॉस कराया जाता है बेटा तो उसे क्या कहते हैं, आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। इसमें एक बेटा एक ही नस्ल होती है, लेकिन वह नस्ल बेटा कैसी होती है, वह नस्ल बेटा असंबंधित होती है, यानी कि छह पीढ़ी के बाद की होती है। दूसरी बेटा हमने बात की थी क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। क्रॉस ब्रीडिंग मैंने आपको बताया था, इसमें दो शुद्ध नस्लों को आपस में लेकर क्रॉस कराया जाता है, यानी कि एक नस्ल अपने गुणों में प्योर होगी, दूसरी नस्ल अपने गुणों में प्योर होगी, ये एक ही नस्लें नहीं होंगी, दोनों नस्लें डिफरेंट डिफरेंट होंगी। इसमें बेटा मैंने आपको बताया चार तरीके का। पहला मैंने बताया क्रिस क्रॉसिंग बेटा, क्रिस क्रॉसिंग में मैंने बताया बेटा इसमें दो शुद्ध नस्लों का प्रयोग किया जाता है आपस में क्रॉस कराने के लिए, इसलिए इसको डबल क्रॉसिंग भी कहा जाता है।
दूसरी बताई मैंने बेटा ट्रिपल क्रॉसिंग। ट्रिपल क्रॉसिंग का मतलब क्या है बेटा, ट्रिपल क्रॉसिंग में बेटा तीन शुद्ध नस्लें लेंगे और उनका क्रॉस बेटा एकांतर क्रम में कराएंगे। पहले हम एक नस्ल से कराएंगे, फिर दूसरी नस्ल से कराएंगे, फिर तीसरी नस्ल से कराएंगे, तीनों नस्लों से एकांतर क्रम में कराएंगे बेटा, इसलिए इसको अल्टरनेट क्रॉसिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको, अल्टरनेट, क्या कहा जाता है बेटा, अल्टरनेट क्रॉसिंग भी कहा जाता है बेटा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा टॉप क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग क्या होती है बेटा, टॉप क्रॉसिंग किसी भी शुद्ध नस्ल का क्रॉस उसकी पीढ़ी के जिंदा अंतिम पशु से कराया जाता है बेटा। इसका कारण क्या होता है बेटा कि पीढ़ी दर पीढ़ी बेटा क्रॉस होते होते अगर कोई लक्षण छुप रहा है या कोई लक्षण मर गया है या कोई लक्षण कमजोर पड़ गया है तो उस लक्षण को दोबारा से पावरफुल बनाने के लिए, दोबारा से उस लक्षण को वर्क में लाने के लिए बेटा क्या किया जाता है, टॉप क्रॉस किया जाता है बेटा। बैक क्रॉस क्या है बेटा, किसी भी संतान का, मैंने अभी आपको बताया बेटा कि मुर्रा और भदावरी के क्रॉस करने से बेटा कोई एक नस्ल बनती है एक्स, उस नस्ल का बेटा क्रॉस चाहे तो मुर्रा से कराया जाए चाहे भदावरी से कराया जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा, बैक क्रॉस कहते हैं। क्लियर है बेटा। ऐसे बेटा एक टेस्ट क्रॉस वाला आता है, टेस्ट क्रॉस बेटा हम सेम यही चीज करते हैं, एक्स का क्रॉस बेटा अप्रभावित जनक से कराते हैं, अप्रभावी जनक से कराते हैं, जबकि बेटा बैक क्रॉस में प्रभावी से भी करा सकते हैं, अप्रभावी से करा सकते हैं, रिसेसिव से भी करा सकते हैं और डोनर से भी करा सकते हैं। इतनी सी बेटा बात समझ में आ गई, तो हम चलते हैं ग्रेडिंग अप पे। ठीक है बेटा, देखते हैं ग्रेडिंग अप क्या है बेटा। ग्रेडिंग अप बेटा क्या है, ग्रेडिंग अप बेटा ऐसी प्रणाली है जिसमें बेटा एक सामूहिक सुधार के लिए किसी बड़े एरिया में बिगड़े हुए पशु को सुधारने के लिए बेटा क्रमोन्नति का प्रयोग किया जाता है, ग्रेडिंग अप का प्रयोग किया जाता है बेटा। इस प्रोसेस में बेटा सामूहिक रूप से किसी पूरे पर्टिकुलर एरिया का बेटा क्या किया जाता है, नस्ल सुधार किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बारे में बेटा अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, इसको रफ करने के बाद अच्छे से इसको जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन को बेटा, क्योंकि ये ग्रेडिंग अप से बेटा, इस ग्रेडिंग अप से बेटा क्रमोन्नति पद्धति से बेटा इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या था बेटा, देख लीजिए बेटा, आउटक्रॉसिंग हमने क्या पढ़ा था, आउटक्रॉसिंग हमने पढ़ा था एक नस्ल होगी तो असंबंधित होगी या फिर दो नस्लें होंगी या फिर दो जातियां होंगी, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब दो जातियों का आपस में क्रॉस कराया जाए, जब दो जातियों का यानी कि दो जीनस का आपस में क्रॉस कराया जाए तो उसे बेटा बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, जैसे बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं, जैसे बेटा मान लीजिए बेटा मैंने घोड़े का गधे का क्रॉस कराया बेटा, किससे, गधे का क्रॉस बेटा मैंने घोड़ी से कराया, गधे का क्रॉस मैंने घोड़ी से कराया, गधा बेटा अलग नस्ल है, घोड़ा अलग नस्ल है बेटा, जब इसका क्रॉस कराएंगे बेटा तो एक नया पशु बनेगा बेटा जिसका नाम है खच्चर। ठीक है बेटा, जब किसी गधे का क्रॉस बेटा घोड़ी से कराया जाता है तो बेटा जो प्राप्त संतान होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, खच्चर कहते हैं। यह बेटा हम कहें जब हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से बेटा हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड का बनना, तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में बेटा जो संतान बनती है उस संतान को बेटा कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं बेटा, हाइब्रिड। आपसे कोई पूछे बेटा कि हाइब्रिड कब बनता है, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो संतान बनती है उस संतान को बेटा कहा जाता है हाइब्रिड, या हिंदी में बेटा इसी को संकर कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा ये एक संकर जो होती है बेटा इसमें एक कैरेक्टर होता है कि ये कैरेक्टर्स में बेटा अपने माता और पिता दोनों से ही उत्तम होती है, इसकी क्वालिटी जो है बेटा अपनी माँ से भी ज्यादा होगी बेटा और पिता से भी ज्यादा होगी, इस क्वालिटी को हाइब्रिड में पाई जाने वाली इस क्वालिटी को बेटा क्या कहा जाता है, हाइब्रिड बिगर कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, हाइब्रिड बिगर। दोबारा से देख लेते हैं बेटा हम क्या कहा, जब दो अलग अलग जातियों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त संतान को बेटा हाइब्रिड यानी कि संकर कहते हैं। ये जो संकर होता है वह गुणों में अपने पिता और माता दोनों से उत्तम होता है, इस क्वालिटी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आप कहोगे बेटा आप कैसे उत्तम होता है, देख लेते बेटा, ये खच्चर है बेटा, गधे का बेटा आपने पता होगा गधे की वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, ये काम कर सकता है, बोझा ढो सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता, यह हम कहें बेटा घोड़े की कंपेयर में कम दौड़ता है, लेकिन ये खच्चर होगा ये गधे से ज्यादा दौड़ेगा, तो इसकी खच्चर की क्वालिटी गधे से ज्यादा हुई। बात करते हैं बेटा घोड़ी की, घोड़ी दौड़ सकती है लेकिन गधे की तरह बोझा नहीं उठा सकती, लेकिन ये खच्चर जो होगा वो गधे की तरह बोझा भी उठा पाएगा, तो ये घोड़ी से बेटर हुआ, इसलिए बेटा इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, और इसकी क्वालिटी को बेटा हाइब्रिड बिगर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों समझ लेना बेटा, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से जो बनता है उसे हाइब्रिड कहते हैं, और इसकी क्वालिटी को बेटा क्या कहते हैं, हाइब्रिड बिगर यानी कि संकर रोज कहते हैं। अब तीसरा बेटा पॉइंट यहीं से अपन उठाएंगे, ये बेटा जो हाइब्रिड होता है ये कभी भी बेटा प्रजनन क्षमता योग्य नहीं होता, यानी कि ये कभी भी मां बाप नहीं बन सकता बेटा।
इसकी क्या गलती होती है बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप बेटा हेटरोसिस उत्पन्न होती है, हेटरोसिस उत्पन्न होती है, अलग अलग गुणसूत्र बेटा एक साथ मिलते हैं, इसके परिणाम स्वरूप बेटा ये क्या होता है, ये कभी भी माँ बाप नहीं बन सकता, प्रजनन क्षमता योग्य नहीं होता। इस बेटा ये क्वेश्चन बनता है, एक बार सबसे पहली बार बेटा ये एक जो कच्चा था बेटा वो माँ बनी थी, ये बेटा अमेरिका की घटना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले बार किसी हाइब्रिड ने बच्चा कब दिया बेटा, तो सबसे पहले कहां दिया बेटा, सबसे पहले अमेरिका में एक बेटा हाइब्रिड ने बच्चा दिया था, ये क्वेश्चन बेटा, लेकिन वो एक्सेप्शन है, ठीक है। जनरली बेटा हेटरोसिस होता है जिससे बेटा क्या होता है वो माँ बाप नहीं बन सकते। इतना से बेटा क्लियर हो गया हो तो हम बेटा ग्रेडिंग अप पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, ग्रेडिंग अप पे बेटा। ग्रेडिंग अप हमने छोड़ दिया था, अगर आपको याद हो ग्रेडिंग अप छोड़ दिया था, इसको देखते हैं बेटा ग्रेडिंग अप क्या होता है, पहले अच्छे से समझिएगा। जैसे बेटा मान लेते हैं हम लोग ग्वालियर रीजन में रहते हैं और ग्वालियर रीजन की बेटा एक नस्ल थी भैंस की भदावरी, जो हमारे यहाँ की बहुत ही उत्तम नस्ल है, या हम कहें विश्व प्रसिद्ध नस्ल है, या हम कहें वर्ल्ड वाइड बेटा बहुत ही प्रसिद्ध नस्ल है, क्योंकि इस नस्ल में 13% बेटा बसा पाई जाती है, बाकी सभी नस्लों में जो है 6-7% बसा पाई जाती है, लेकिन जो बेटा आपकी भदावरी नस्ल है उस नस्ल में 13% बसा पाई जाती है। लेकिन वह नस्ल जो है बेटा हमारे यहां से खत्म हो गई है, या हम कहें उसमें कुप्रथाएं आ गई हैं, या हम बेटा कहें वो नस्ल धीरे 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 बिगड़ गई है। बेटा आपको पता है हमारे यहाँ AIA सेंटर्स की कमी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कमी है, इसके कारण क्या हुआ बेटा वो नस्ल बिगड़ गई। अगर हम बात करें आज की के दौर की, तो आज हमें कहीं भी नस्ल दिखाई नहीं देती भदावरी, लेकिन इस नस्ल को हमें रखना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये नस्ल हमारे यहाँ की ही नहीं पूरी विश्व की प्रसिद्ध नस्ल है भदावरी। तो अब बेटा कैसे हम इस नस्ल को वापस लाएं, कैसे इस नस्ल को हम वापस ग्वालियर भिंड मुरैना में देखें, इसके लिए बेटा क्या किया जाता है, योजनाएं चलती हैं, हाइब्रिडाइजेशन या ग्रेडिंग अप बेटा या क्रमोन्नति की पद्धति बेटा। किसकी ग्रेडिंग, हाइब्रिडाइजेशन बेटा धोखे से बोला, ग्रेडिंग अप या क्रमोन्नति की पद्धति चलती है बेटा। इसमें क्या होता है, बिगड़ी हुई नस्लों को धीरे 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 क्रम वाइज करके क्रम क्रम से सुधारा जाता है, इसलिए इस पद्धति को क्रमोन्नति कहते हैं। ग्रेड बेटा आप जानते हो, आपको एग्जाम में बेटा आप एग्जाम देते हो आपको ग्रेड मिलती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ग्रेड को अप करना, नीचे वाली ग्रेड को ऊपर ले जाना क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप कहलाता है, ठीक है बेटा। इसमें बेटा क्या करते हैं, सपोज कीजिए बेटा कोई नर है बेटा और ये बेटा मादा है। बेटा अगर आपने खच्चर देख लिया हो तो बेटा यहां से रफ कर देते हैं इसको, बेटा आप लोग बाद में रफ कॉपी कर लेना कहीं पे। चलिए बेटा ये नर है, ये मादा है बेटा। हमारे यहाँ बेटा जो मादा है उसकी क्वालिटी बिगड़ चुकी है। हम ऐसा मानते हैं बेटा ग्रेडिंग अप में कि जो हमारे यहाँ कोई नस्ल है, कोई मादा है बेटा, जो भी भैंस है बेटा भदावरी नस्ल की या मिक्स नस्ल है बेटा, उसको हम मानते हैं कि उसमें 0% कैरेक्टर बेटा रह गए हैं। कितने परसेंट कैरेक्टर रह गए, 0% बेटा। उसका बेटा हम प्रजनन कराते हैं बेटा किससे, एक शुद्ध भदावरी नर से बेटा। इनका जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं बेटा तो डेफिनेटली बेटा क्या है कि संतान बनेगी बेटा एक, ठीक है बेटा, F1 जनरेशन में आएगी बेटा एक संतान, या बेटा F1 जनरेशन बनेगी बेटा, यहाँ पे लिखते हैं बेटा थोड़ा सा, यहाँ पे बेटा क्या बनेगी, F1 जनरेशन बनेगी बेटा। उस F1 जनरेशन में बेटा एक तो शुद्ध नस्ल का ब्लड होगा बेटा और एक अशुद्ध नस्ल का ब्लड होगा। बेटा आपको पता है F1 जनरेशन में 50-50% बेटा क्या होता है, ब्लड का डोनेशन होता है बेटा, पता है बेटा आपको। जब बेटा यही F2 जनरेशन में जाएंगे बेटा तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये शुद्ध का प्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि शुद्ध से क्रॉस करा रहे हैं हर बार, तो शुद्ध की प्योरिटी बढ़ेगी और शुद्ध की प्योरिटी कम होगी। कितनी बढ़ेगी, इसका 50% शुद्ध की बढ़ जाएगी, इसका 50% शुद्ध की कम हो जाए, अशुद्ध की कम हो जाएगी बेटा, ठीक है बेटा। तो आप सिंपल से बेटा इसका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा बेटा, 50 से बढ़कर कितना हुआ, 75 हो गया, 50 का 50% बेटा 25 होता है, 25 को ऐड कर दिया इसलिए कितना हुआ, 75। यहाँ बेटा इसका कम हो जाएगा तो यहाँ बेटा 25 रह जाएगा बेटा। F3 जनरेशन में बेटा जाएंगे तो इतना कितना रह जाएगा, 12.5% रह जाएगा बेटा, इसमें 12.5% जोड़ दो बेटा 87.5% हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट F4 जनरेशन में बेटा देखते हैं, ऐसे ही ऐसे करके बेटा जब आप करते जाओगे तो F7 में बेटा क्या होता है, जनरेशन 7 में बेटा लगभग अप्रोक्सीमेट 100% 99% बेटा यहाँ पे 7 जनरेशन में आता है, जबकि हमने अशुद्ध का बेटा यहाँ कितना माना था, यहाँ पे 0% माना था बेटा, लेकिन 0% नहीं होता, थोड़े से कैरेक्टर तो उसमें है क्योंकि वो हमारे यहाँ की नस्ल है, इसलिए लगभग बेटा 7 पीढ़ी में ये नस्ल में शुद्ध नस्ल का ब्लड बेटा कितने परसेंट होता है, 100% हो जाता है। यहाँ से बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन बेटा ये बनता है कि 5वीं पीढ़ी में शुद्ध नस्ल का प्रतिशत कितना होता है या अशुद्ध नस्ल का प्रतिशत कितना होता है, आपसे पूछा जाता है बेटा 4थी पीढ़ी में शुद्ध नस्ल का परसेंटेज क्या है, अशुद्ध नस्ल का परसेंटेज क्या है।
आपसे पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी बेटा ग्रेडिंग आपकी दूसरी पीढ़ी में शुद्ध नस्ल कितनी होगी, अशुद्ध नस्ल कितनी होगी, कैसे निकालोगे बेटा, देखते अभी हम कैसे निकालते हैं बेटा। एक छोटे से बेटा दो फॉर्मूले हैं, पहले बेटा फॉर्मूले बात करते हैं शुद्ध नस्ल का प्रतिशत बेटा, किसका प्रतिशत बेटा, पहले अशुद्ध का देख लीजिए बेटा, अशुद्ध नस्ल का प्रतिशत बेटा, अशुद्ध ब्लड का परसेंट है, अशुद्ध रक्त की मात्रा बेटा, या अशुद्ध नस्ल का प्रतिशत होता है बेटा 100 अपॉन में 2 की पावर n। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपसे पूछते दूसरी पीढ़ी यानी कि n की वैल्यू 2 है बेटा, 100 अपॉन 2 की पावर 2 यानी कि 4 होता है, 4 का 100 में डिवाइड करोगे बेटा कितना आएगा 25%, मतलब अशुद्ध नस्ल का दूसरी पीढ़ी में कितना होता है 25% होता है। अब बेटा आप मुझे बताओ, एक बॉक्स में 100% है, 25% खराब है, तो सही कितना बचा, 75% बेटा। अगर टोटल 100 है, 100 में 25 खराब है, तो सही कितना बचा 75%। कैसे निकालेंगे बेटा, शुद्ध बराबर क्या होता है बेटा, शुद्ध बराबर होता है 100 माइनस अशुद्ध बेटा, होता है या नहीं, ये बेटा हम इसको कह सकते हैं 100 माइनस 100 अपॉन 2 की पावर n बेटा, ये बेटा आपका फॉर्मूला बनता है, इससे हम किसी भी पीढ़ी का निकाल सकते हैं। एक बार बेटा आज बेटा हमने पूरे लेक्चर में एनिमल ब्रीडिंग को कंप्लीट किया है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, AI के बारे में, यहां पर हम जानेंगे बेटा कैसे मनुष्य टोटली विदाउट पशु के, जब कोई पशु नर पशु दूर है या कोई मादा दूर है वहां पर बेटा किसी नर के सीमन को बेटा पहुंचाना है, तो किस तरीके से एकत्रित करके ले जाया जा सकता है, किस तरीके से बेटा हम किसी विदेश में पाई जाने वाली नस्ल से भी बेटा हम अपने देश की नस्ल का क्रॉस करा सकते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे अगले वीडियो में बेटा, तो इसको देखिएगा बेटा, और अगर वीडियो अच्छा लगा बेटा तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।